एग्जाम के कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स जिसे आप नहीं जानते थे। कैसे आप खाने में ज्यादा मिर्ची डालकर रोनाल्डो के पर्सनल शेफ बन सकते हो। कैसे बस आप ये क्लिप को देखकर अपने किसी भी डर को दूर कर सकते हो। और मोदी जी के फोन में एक ही कैमरा क्यों है। भाई ये वीडियो इतना गजब का है कि इस वीडियो पे 50,000 लाइक तो बनते ही है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लेना। नंबर 22, अगर आपको कॉइन फ्लिप करना है और आपके पास कॉइन नहीं है तो आपको गूगल को कहना है फ्लिप अ कॉइन, और आपके सामने कॉइन होगा जो कि बिल्कुल रैंडमली फ्लिप करेगा। इसमें कोई भी चीटिंग नहीं होती है और ये पूरा का पूरा एल्गोरिज्म पर बेस्ड है, यानी ये एकदम रियल कॉइन जैसे ही सब लक का खेल है। नंबर 21, विराट कोहली द्वारा खेली गई एक बॉल, जरा इस बॉल को देखो। ये बॉल इस बात की गवाही देती है कि उस गेम में विराट कोहली ने कितनी ज्यादा खतरनाक बैटिंग की थी। टॉप क्लास बॉल की तो धज्जियां उड़ गई है। नंबर 20, एक रिपोर्ट के हिसाब से एक एवरेज इंडियन 7.5 से भी ज्यादा घंटे फोन में बिता रहा है। और ये एक दो लोगों की बात नहीं, ये एवरेज निकाला गया है, यानी कि लगभग सभी लोग फोन में कम से कम 7 घंटे बिताते हैं और इसमें ज्यादातर टीनेजर होते हैं। नंबर 19, अगर आपको कोई भी हॉरर मूवी देखने के बाद नींद नहीं आती है तो इस मूवी को देखने के बाद आपको इस मूवी के ब्लोपर्स देखना चाहिए, यानी कि उसके बिहाइंड द सीन्स। ऐसा करने से आपका डर चला जाएगा और फिर आपको उस मूवी के डरावने सीन्स को याद करके भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग को उसके पीछे के सीन्स पता है। नंबर 18, अगर आप नाक और आंखों को बंद करके एप्पल, पोटैटो और ऑनियन को खाओगे तो तीनों का टेस्ट बिल्कुल सेम आएगा, लाइक एकदम सेम टू सेम। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाँ ये सच है, वही कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नहीं भाई ये गलत है, तो आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। नंबर 17, अगर आप गूगल सर्च करते हो और आपको चाहिए कि कुछ डिटेल्स ना आए तो आपको सर्च के आगे माइनस डालकर उन कीवर्ड्स को डाल देना है। जैसे यहाँ सर्च किया गया है इलेक्ट्रिक स्कूटर, लेकिन भाई हमें तो बस 2022 का इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, इसलिए आगे -2023 डालने से इस साल का कोई भी मॉडल या 2023 से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल नहीं दिखाई देगा। नंबर 16, आपकी वजह से किसी एक बंदे ने अपना गेम अनइंस्टॉल कर दिया है। अगर आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो तो इसके काफी हाई चांसेस है कि आपकी वजह से किसी ने अपनी गेम को ही डिलीट कर दिया, और स्पेशली अगर आप किसी गेम में प्रो हो तो इसके काफी हाई चांसेस है। नंबर 15, आप रोनाल्डो के शेफ बन सकते हो। रोनाल्डो महीने के 4.5 लाख रुपए देने को तैयार है। दरअसल रोनाल्डो खाने में काफी डिमांड करते हैं, जिस वजह से उन्हें एक फुल फ्लेश शेफ चाहिए जो उनको बेस्ट हेल्दी और टेस्टी खाना खिला सके। और पोर्चुगल खाने थोड़े तीखे होते हैं और उनको ऐसा शेफ भी चाहिए जो कुछ तीखा भी बना सके जो कि वो खाना चाहते हैं। इसके लिए वो महीने के 4.5 लाख रुपए देने को तैयार है। नंबर 14, अगर आपके जूते में बहुत बुरी स्मेल आती है तो जूतों के अंदर आपको टी बैग डाल देना है। जो टी बैग है वो आपकी सारी स्मेल को अब्सॉर्ब कर लेगा और टी बैग के अंदर स्ट्रॉन्ग अरोमा की वजह से आपके पैरों से गंदी स्मेल नहीं आएगी। नंबर 13, सारे हॉट सॉस वालों को सॉस ऐसे बॉटल में देना चाहिए। इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से हॉट सॉस कितना ज्यादा तीखा होगा उसे सेलेक्ट कर सकते हो। कई लोगों की हॉट सॉस से हालत खराब हो जाती है और कई लोगों को लगता है कि वो तो इतना तीखा नहीं है, और इसीलिए हर कोई अपने फ्लेवर और टेस्ट के हिसाब से तीखेपन के सॉस को अपने अंदर एडजस्ट कर सकता है। नंबर 12, बच्चों में दुनिया के सारे एक्सेंट समझने की काबिलियत होती है, लेकिन जैसे ही वो 5 महीने के होते हैं तो उन्हें बस अपनी मम्मी के एक्सेंट सुनने में मजा आता है, इसलिए 5 महीने के बाद वो अपनी मम्मी की आवाज को पहचान पाते हैं। बच्चे चाहे तो फॉरेन के एक्सेंट भी सीख सकते हैं। नंबर 11, इस फोटो को देखो, ये घर बिल्कुल ऑगी एंड द कॉकरोच के घर जैसा दिखता है, और सच में ये उसी की इंस्पिरेशन को लेकर बनाया गया था। इस शख्स ने देखा कि इसका घर अपने एरिया की वजह से बिल्कुल उस कार्टून जैसा दिखता है, तो इसलिए इसने अपने घर को पर्पल पेंट कर दिया। नंबर 10, ये वीडियो बहुत स्कैरी है। ये वीडियो एक एस्ट्रोनॉट ने लिया था जब वो स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रहा था, तब देखो उनके बाहर का नजारा कैसा दिख रहा था। ये साल 2014 का वीडियो है, ये देखने में बहुत ऑसम लगता है और डरावना भी। नंबर 9, साइंटिस्ट ने बुजुर्ग चूहों को जवान बना दिया है। हाल ही के एक रिसर्च में साइंटिस्ट रिवर्स एजिंग करने की कोशिश कर रहे थे और इतने सालों में पहली बार उन लोगों ने चूहे की उम्र कम कर दी। अब ये वही इंसानों के साथ करने का ट्राई करेंगे, लेकिन ये इंसानों में करना ज्यादा मुश्किल है। नंबर 8, इस इंस्टाग्राम के फीचर से आप कामयाब बन सकते हो। इंस्टाग्राम के क्वाइट मोड फीचर की मदद से आप इंस्टाग्राम के डिस्टर्बेंस से दूर जा सकते हो। ये एक नया फीचर है, अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो ये आपके इंस्टाग्राम को पूरी तरीके से डीएक्टिवेट कर लेगा। ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। अगर आपको कोई मैसेज करेगा तो वो भी इसे ऑटोमेटिकली मैसेज जाएगा कि आप अभी इनएक्टिव हो, और जब आप एक्टिव होंगे तब इन्फॉर्म किया जाएगा। नंबर 7, भाई इस फोटो को देखो, जब गर्मी का मौसम होता है तो ये साइन कितनी ज्यादा
बड़ी दिखती है, लेकिन वही जो फुल बल्ब होती है तो ये साइन कितना छोटा हो जाता है। इसे आप सोच सकते हो कि वहाँ पर कितनी मोटी बर्फ की परत बन जाती होगी। नंबर 6 आपके बहुत ही काम आ सकता है। 30 दिन को हम एक महीना कहते हैं, तो वही 15 दिन को फॉर्टनाइट कहा जाता है, और 1 साल को एनिवर्सरी कहा जाता है, 10 साल को डेकेड कहा जाता है, और 25 साल को सिल्वर जुबली, और 50 साल पर और 75 साल पर प्लैटिनम जुबली, और फिर 100 साल पर एक सेंचुरी बोला जाता है। नंबर 5 फास्ट डिलीवरी करने के लिए जोमैटो वाले कुछ भी कर सकते हैं, फिर घुड़सवारी करना क्यों ना पड़े। एक बार देखो ये शख्स कैसे अपने ऑर्डर को डिलीवर करता है। यार ये जोमैटो का स्पेशल फीचर होना चाहिए, बहुत कमाई होगी। नंबर 4 फोन को चार्ज करने और एक्सरसाइज करने की कमाल की मशीन। देखो ये ऐसा टेबल है जिस पर आप बैठ कर अपने किसी भी डिवाइस को फ्री में चार्ज कर सकते हो। बस फर्क ये है कि उसको चार्ज करते वक्त आपको कंटिन्यूअसली पेडल मारना पड़ेगा, और इसी पेडल से जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी आपके फोन को चार्ज करेगी। नंबर 3 चांद पर जाने वाले दूसरे आदमी ने 4 शादी की है, और उनकी चौथी शादी तो 93 साल की उम्र में उनके बर्थडे के दिन हुई थी। बस ऑल्डन वो दूसरे आदमी थे जिन्होंने चांद पर अपना कदम रखा था। इसके अलावा ये अपनी शादियों के लिए जाने जाते हैं। सच्ची में यार 93 इयर्स की बुजुर्ग उम्र में इन्होंने 4 शादी की है। नंबर 2 एग्जाम के कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि आपके काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला है सोना, यानी कि अगर आप एग्जाम के नजदीक आ रहे हैं तो रात भर चैटिंग को छोड़कर आपको एटलीस्ट 8 घंटे नींद लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप जो भी पढ़ोगे वो आपको ज्यादा याद रहेगा। इसी के साथ आपको हमेशा रिवीजन के लिए टाइम बचाना चाहिए, क्योंकि अगर आप चैप्टर के बाद चैप्टर पढ़ रहे हो तो एग्जाम में आप सब कुछ भूल जाओगे अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो। ये काफी बेसिक चीज है लेकिन फिर भी लोग भूल जाते हैं। और जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो आपको पहले पूरा पेपर नहीं देखना है, बल्कि एक एक करके क्वेश्चन वाइज सॉल्व करते जाना है, क्योंकि अगर आप पूरा पेपर एक साथ देखोगे तो हो सकता है आपको कोई आंसर याद आएगा लेकिन फिर आप उसे भूल जाओगे और आप कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाओगे। और एक चीज है जिसे मैं बस फन के लिए कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ ऐसे ही कुछ नया दिमाग लगाना है तो आप शार्पनर से कर सकते हो। उसमें पेपर रोल करके चिपका देना, जिसके बाद एग्जाम में आप पेंसिल शार्पनर के बहाने आंसर्स देख सकते हो। लेकिन पकड़े जाओ तो हमारी गलती नहीं है भाई, पकड़े जाने से अच्छा चीटिंग करना ही गलत बात है। नंबर 1 मोदी जी के फोन में बस एक ही कैमरा क्यों होता है। अगर मोदी जी के एकदम रियल फोन की बात करें जिसे वो अपना सारा काम करते हैं, तो उस फोन में तो एक भी कैमरा नहीं होता, और वो बहुत ज्यादा स्पेशल फोन होता है जिसे स्पेशली पीएम मोदी के लिए ही बनाया जाता है। इस फोन को ना ही हैक किया जा सकता है और ना ही ट्रेस किया जा सकता है, और इस फोन पर हमेशा साइबर सिक्योरिटी वालों की नजर रहती है, और सेफ्टी पर्पस की वजह से इसमें एक भी कैमरा नहीं दिया जाता। और अक्सर हमें जो मोदी जी के साथ में फोन दिखता है वो आईफोन होता है, वो भी पुराना वाला जिसमें एक कैमरा आया करता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी जी को तस्वीरें खींचने की कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमेशा उनके साथ मीडिया होती है और बड़े बड़े कैमरा सेटअप भी, तो इसलिए उनको फोन में कैमरा रखने की जरूरत ही नहीं है। और अगर कभी भी चाहिए भी तो उनके पास आईफोन होता है या फिर वो अपने असिस्टेंट से फोन मंगवा सकते हैं। भाई ये तो आपने जान लिया, पर क्या आपने ये स्कूल वाली ट्रिक देखी थी, और क्यों इस बच्चे के ड्रॉल में पड़ी फोटो 100 करोड़ में बिकी। कैसे चिप्स इन्वेंट करने वाले की अस्थियां आज भी चिप्स के पैकेट में बंद है। और अगर हम पूरी लाइफ सिर्फ पानी पियेंगे तो क्या होगा। भाई ये वीडियो तो अल्टीमेट मजा देने वाला है, तो इस वीडियो को भी देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।